मुझे जेल में डालना है ना, आप डाल दें को इस तरह ना उछे। अकेले चलते चलते हो साए जैसे ढलते रहे क्यों ये फासले सदा। आंटी आज तो इतना तकल्लुफ कर लिया आपने, लेकिन आइंदा नहीं चलेगा। अरे बेटा ये तकल्लुफ थोड़ी है, ये तो अपनाइयत है। अपनाइयत तो इसमें है कि मैं खुद फ्रिज से चीजें निकाल के आपसे फरमाइश करूँ। हाँ, जरूर। रोका किसने, चले। मेरा ख्याल है यावर आ गए हैं। अंदर सारा भाभी बैठी है, अम्मी ने उनको रिश्ते के लिए हाँ कहती है। पिछले दरवाजे से होते हुए कमरे में चली जाओ, उनके सामने नहीं आना। क्यों? इसका हाल देखो, अभी दिखाने जैसा हुलिया है इसका अपने ससुराल वालों के सामने। कोई अंधा भी इसकी जानिब देखेगा ना तो समझ जाएगा कि इसकी क्या इज्जत अफजाई हुई है। जना इसका तो बहू अंदर ही बैठी है, आप तो आए ना। जाओ यहां से। अस्सलामुअलैकुम भाभी। अस्सलामुअलैकुम, आप तो बिल्कुल सही मौके पे आए। आंटी नहीं आई आपके साथ? भाई वो आज तो मैं वैसे ही आ गई थी, अगली बार माँ भी साथ आएंगी। बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि इस संडे आप लोग लंच पर आ जाए हमारे घर। अच्छा इसी बहाने हमारा घर भी देख लेंगे। नहीं नहीं, खाने वाने का तकल्लुफ छोड़ो, बस हम आ जाएंगे, आ जाएंगे, चक्कर लगाएंगे। आंटी मैं आपको बता रही हूँ, माँ शादी में देर नहीं करने वाली। देर तो हम भी नहीं करना चाहते। आप जब तक चाय पिए भाभी, मैं जरा मुंह हाथ धोऊं। अम्मी कुछ दूं आपको? मैं लेती हूँ चाय। ये क्या बचपन है? ये क्या बचपन है? कहाँ मिला ये आपको? दोस्त के फार्म हाउस पे था सर। हम लोग यहाँ इस कदर परेशान हो रहे हैं और तुम अपने दोस्त के फार्म हाउस पे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? जाओ जाओ, रिदा भाई को अंदर लेके जाओ। जाओ मां। चलो दबाओ जाए, निकलो। चलो हमजा। सर नजर रखिएगा इस पर, कहीं फिर ना गायब हो जाए। वो तो शरीफ लोग थे बेचारे, आपने खामखा उनके यहां पुलिस भेज दी। मैं चलता हूं। थैंक यू। थैंक यू। बस रिलैक्स कर जी, बस कर दे, तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ बोलो। हेलो माँ। माँ उन लोगों ने हाँ कर दी है। सच? अल्लाह ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। कब हाँ की उन्होंने? आपके कहने पर मैं आफिया से ही मिलने आई थी, अभी उन्हीं के घर से निकल रही हूँ। अच्छा तुमने उन्हें हमारे घर इनवाइट किया? जी इस संडे बुला लिया है। अच्छा सुनो, एक काम करो बेटा, उसकी कंगन का और अंगूठी का नाप ले आओ। भाई घर आएगी तो कुछ तो देना है ना उसे। माँ अब तो मैं निकल रही हूँ, फोन करके मंगवा लूंगी ना।
अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। खबरदार जो ऐसा किया। मेरी एक ही एक बहू है और तुम्हें उससे फुल प्रोटोकॉल देना है, समझी? जाओ नाप लेकर आओ फौरन। माँ आप भी ना, जाती हूँ। ओके बेटा, ठीक है, खुदा हाफिज। बाबरा हाथ नहीं उठाते। चाहे बहन इज्जत उठाल दे, भाई हाथ ना उठाए। ये शहर सारे फसाद की जड़, ये सारे फसाद की जड़। इसमें चुगले नहीं थे, पिघला हुआ सीसा था, जो कयामत के दिन सजा के तौर पर हमारे कानों में डाले जाएंगे। मगर मेरे कान में इसका भाई होने की सजा में आज ही डाले गए। अम्मी, अम्मी मैं कहता हूं कि इसे घर से बाहर निकालें, अभी के अभी से घर से बाहर निकालें, कहीं भी जाए। इससे हमारा कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं है। निकलो यहां से बाहर, मैं कहता हूं निकलो। पागल हो गए हो? क्यों तमाशा बना रहे हो? और क्या तमाशा बनेगा अम्मी, क्या तमाशा बनेगा? सॉरी, वो अभी माँ से बात हुई थी ना, उन्हें दिलनशी की नाप की चूड़ी और अंगूठी चाहिए। हाँ मैं लाती हूँ ना, आप रुके मैं ला रही हूँ। सही। मम्मी सारा भाभी आई है दिलनशी की अंगूठी और चूड़ी का नाप लेने। तुम्हारा और इसका एक ही नाप है ना, अपनी चूड़ी और अपनी अंगूठी दे देनी थी। आवाज आहिस्ता रखे। आहिस्ता रखे तो अम्मी जल्दी इसका इंतजाम करें, जल्द से जल्द इसका इंतजाम करें। आप लोगों को नहीं मालूम कि मैं कितना शरीर हूं, इसने कहीं भी हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे माफ कर दे, वो दिलनशी को ना मेरे ही साइज की चीजें आती हैं। थैंक यू। वो मैंने बताया ना, माँ बहुत एक्साइटेड हैं। हम भी बहुत खुश हैं, बस तैयारियों में लगे हैं। अल्लाह सलाम करिएगा। ठीक है, लाफिस लाफिस। क्या कर रहे हैं आप? आपने इसके मैसेजेस नहीं पढ़े, मैसेजेस नहीं पढ़े आपने इसके। वहां थाने में सब लोग मुझ पर हंस रहे थे और मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें धस जाऊं। ये दिन देखने के लिए, ये दिन देखने के लिए आपने इसे पैदा किया था। ये दिन देखने के लिए इतने बड़े कॉलेज में मैंने इसका दाखला करवाया था। कालक बल्दी इसने मेरे मुंह पे कालक। तुम भाग जाओ, तुम भाग जाओ अपने आशिक के साथ, भाग जाओ अपने आशिक के साथ। जहां हमने इतनी बदनामी झेली है ना, हम ये बदनामी भी झेल लेंगे। निकल जाओ, निकल जाओ। मैं मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि आपकी बदनामी हो। प्लीज मुझे माफ कर देना। की माशुकी कर रही है और कह रही कुछ नहीं किया। जिताई देखे इस लड़की की, चलो मैं जान से मार दूंगा। इधर आओ, चलो मैं।
हमजा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या करता कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मॉम डैड गए थे दिलनशीन के घर, काफी इंसल्ट की है उनके पेरेंट्स की। तुम नशीन के घर गए थे? हाँ, हम गए थे उनके घर उन्हें उनकी औकात याद दिलाने और अपने बेटे को ढूंढने। और देखो उसी लड़की के मोबाइल तक तो हम तुम तक पहुंचे। मामा आपको मेरी बात क्यों समझ में नहीं आ रही? आई एम इन लव विद हर। हमजा रिलैक्स, तुम्हारी डैड बहुत गुस्से में है और मैंने उनको बहुत यकीन दिलाया है कि तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे अब। सो प्लीज डोंट डू एनीथिंग। अब तुम फ्रेश अप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवा रही हूं। मुझे नहीं खाना कोई खाना वाना, जाए आप यहां से। समझाओ उसे। तुम नहीं समझा सकती थी? माहौल हो रहा है घर का, ऐसे जैसे कोई जनाजा निकला। जनाजा ही तो निकला है हमारी इज्जत का। जो हो गया सो हो गया अपनी, बस आप जल्द से जल्द दिलनशी की शादी के बारे में सोचें। जाएंगे ना इतवार को उनके यहाँ, यूं भी उन्हें हमसे ज्यादा जल्दी है। तो और भी अच्छा है अम्मी, बस आप उसका कॉलेज जाना बंद कर दें। कॉलेज जाना? मैं उसका घर से निकलना बंद कर दूंगी। मुझे क्या पता था वो ये गुल खिला रही है। आए दिन बहाने बहाने से रिदा के घर जाती थी, क्या पता था ये चक्कर चल रहा है। कॉलेज जाएगी और मैं टांगे ना तोड़ दूंगी उसकी। सारा भाई, माँ भाई, मम्मी लगा दिल से, दिल से मुंह खोले, मुंह खोले। एक मिनट, ये क्या हो रहा है सब? एक मिनट हटो जरा। ओहो ठीक है आप, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? क्या था ये सब कुछ? आप लोगों को आइडिया है मैं कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के आ रहा हूँ? अरे भाई, हमें जो आपको न्यूज देनी है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भाई साहब आपकी बात पक्की हो गई है। एंड यू नो वॉट, तुम पहले दूल्हा होगे जो अपनी बात पक्की होने की मिठाई सबसे आखिर में खाओगे। पूरा घर खा चुका है मिठाई। लेकिन बैठ जाओ, ये सब इतना अचानक कैसे हो गया? अब अचानक कहा, तुमने रिश्ता भेजा उन्होंने कबूल कर लिया। और शुक्र करो कि आंटी का काजी कोई पर्सनली जानने वाला नहीं है, वरना वो काजी यहाँ बैठा होता और तुम्हारी बारात निकल रही होती। बड़ी बुरी बात है, मेरी एक्साइटमेंट का मजाक मत उड़ाओ। हैदर, मैंने तो कल मिठाई ऑर्डर दे दी, तुम्हारे ऑफिस भी पहुंच जाएगी। शादी हो जाएगी तो सब खा ही लेंगे, ऑफिस में मिठाई इतनी जल्दी क्या है? भाई माँ जो कह रही है ना, इन्हें करने दे। इनका तो बस नहीं चल रहा हलवाई घर में बिठा के रोज मिठाई बनवाए। और क्या, और मैं तो ये सोच रही हूँ कि संडे को उन लोगों को डिनर पे बुलाने के बजाय क्यों ना मंगनी कर लें। हाँ माँ, अभी ना चले मंगनी करने? यावर, कौन आया है इस वक्त? कौन आया है पता नहीं, देखते हैं। यावर ध्यान से। आफिया अम्मी, वो बराबर वाली आंटी आई है। क्यों? आपसे मिलने आई है।
अंदर बिठाए। मना कर देना था आफिया, तुम भी बस। हमारी दोस्ती का नाजायज फायदा मत उठाओ, अच्छी तरह से जानते हो तुम। तुम्हारी फीलिंग्स को लेके कभी तुम्हें इनकरेज नहीं किया मैं। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी हंसी, इन सब चीजों ने कभी डिस्करेज भी तो नहीं किया मुझे। गलत फहमी है तुम्हारी, इसकी पेन तुम्हें ही लेनी है। तुम समझ नहीं रही हो, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हें मेरे अलावा और कोई खुश नहीं रख सकेगा। तुम नहीं रह पाओगी खुश। अपने मामू की बात कर रही हो तुम, उनकी वर्थ सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा है। तुम्हारे पेरेंट्स के इंतकाल के बाद कभी तुम्हारे मामू ने पलट के पूछा नहीं था तुम्हारा। मैमल मत करो ऐसा मेरे साथ, मत करो मैमल। ये देखो, सिर्फ तुम्हारे दूर जाने का सोच के कैसे रोंगटे खड़े हो गए। मत करो मैमल। उसे सात पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन न सका। साकिब के अब्बू तो कह रहे थे आपको उसी वक्त जाना चाहिए था जब पुलिस दरवाजे पर आई थी, आखिर पड़ोसियों का भी तो हक होता है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया वैसे तो, लेकिन कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं थी। दरअसल दिलनशीन ने एक डकैती की वारदात देख ली थी तो पुलिस में बता दिया। उसका बयान रिकॉर्ड करने के लिए ही उसे लेने आए थे। फिर यावर ने कहा कि मैं भी साथ ही जाऊंगा। अगर ऐसी बात थी तो फोन करके बुला लेते, उनको दरवाजे पर आने की क्या जरूरत थी। बस मैं, आपको पता ही है यहाँ तो ऐसे ही है। आप ये से कहूँ आपके लिए चाय बनाए। मुबारकबाद नहीं दोगी मुझे? किस बात की मुबारकबाद? जल्दी से बताओ किस बात की मुबारकबाद, फिर हम सब आ जाएंगे, किसी से बात भी नहीं करने देंगे।
से 100 दफा पुकारा है दिल ने मगर मेरे दिल की बात वो सुन ना सका, जो आँखों में थी मेरे आँसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें चुन ना सका। अकेले चलते चलते हो साए जैसे ढलते रहे क्यों ये फासले सदा दर में आए। इस छोटे से घर में ना मेरा दम घुटता है। मेरा दिल करता है बड़ा सा घर हो मेरा। इतने बड़े घर में अकेली क्या करोगे? अकेली क्यों होंगी भाई, मेरा शौहर होगा मेरे साथ। मेरे बगैर अकेली होगी तो देख ले। वो बिना क्यों था, अगर उससे बिछड़ना था वो पत्थर दिल का था शायद मुझे आखिर बिखरना था। तमन्ना क्यों थी जीने की, अगर वो बन जा रहा है। एक दफा दोबारा ट्राई करो, प्लीज करो। बोला ना बन जा रहा है। I think we should go to her place. क्या कर रहे हो यार, पागल हो गए हो क्या? क्यों जाना चाहते हो उसके घर? तो कैसे पता लगेगा कि वो ठीक है कि नहीं? वो ठीक होगी, बिल्कुल ठीक होगी। उसका भाई उसको टॉर्चर तो नहीं करेगा? देखो मेरी बात सुनो, तुम सिर्फ सुबह तक इंतजार करो, मैं सुबह कॉलेज जाते ही तुम्हारी उससे बात करूंगी। नहीं कर सकता इंतजार, चलो मेरे साथ। क्या कर रहे हो यार, क्यों तमाशे लगाना चाहते हो हर वक्त? इस तरह नहीं होता। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी बेसब्री की वजह से हो रहा है। ना तुम इतने बेसब्रे होते और ना ही बात यहाँ तक पहुँचती। तुम्हारी वजह से मॉम एंड डैड ने जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है और उनके घर तक बात पहुँची। तो ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये तुम्हारी वजह से। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करता। सबर करते, इंतजार करते। उसके घर वाले उसकी मंगनी करवा रहे हैं, उसकी शादी कर देंगे और तुम कह रही हो मैं यहाँ चुप करके बैठा रहूं। तुम समझने की कोशिश कर, उसका भाई पुलिस स्टेशन तक गया है और ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। मॉम डैड को लगता है कि ईगो सिर्फ उनके पास है, बाकी सब तो सेल्फलेस है ना। अच्छा तुम रिलैक्स करो, मैं खुद मॉम डैड से तुम्हारे लिए बात करूंगी और उनको समझाने की कोशिश करूंगी। एंड आई प्रॉमिस यू कि वो मान जाएंगे। और एक और बात, प्लीज मजीद कुछ मत करना, क्योंकि अगर तुमने कुछ भी किया ना तो तुम दिल नशीन के लिए मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दोगे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। अभी फिलहाल अपने घर वालों को मनाओ हमजा, प्लीज। Good. वो पता नहीं क्या मसला है। क्या हुआ मां? बेटा ज्वेलर्स को फोन कर रही हूं, इतनी देर हो गई, कब से ट्राई कर रही हूं, उठा ही नहीं रहे। बहुत टाइम हो गया, शॉप बंद हो गई होगी। सेल फोन पे कर रही हूं बेटा, शॉप पे तो नहीं कर रही, उठा ही नहीं रहे। कोई अर्जेंट काम? अरे भाई मुझे इस सेट का डिजाइन चेंज करवाना है, वो जो सारा की नन ने पहना था ना बिल्कुल वैसा बनवाना चाह रही। बन जाएगा मां, सुबह तक इंतजार कर लीजिए। सुबह तक? मुझसे 5 मिनट इंतजार नहीं हो रहा तुम कह रहे हो सुबह तक? आपको पता है बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही हैं आप अभी। जैसे वो नई क्लासेस में जाते हैं तो उनको एक्साइटमेंट होती है नई स्टेशनरी की, बुक्स की, कॉपीज की, बिल्कुल उसी तरह से आप भी एक्साइटेड हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, इतनी खुश हूँ कि मैं क्या बताऊँ, ऐसी खुशी तो मुझे अरसे बाद मिली है।
मुझे अंदाजा हो रहा है कि मैंने बहुत ज्यादती की है आपके साथ इतना अरसा। मुझे पहले शादी कर लेनी चाहिए थी। ज्यादती तो की तुमने, लेकिन इंशाल्लाह इस ज्यादती का इजाला हो जाएगा जब मैं अपने पोता पोती को गोद में खिलाऊंगी। बस बता नहीं सकती, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा, इन्हें पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, लेट मी ट्राई। मैं कहता हूं किसी घर से बाहर निकाले, अभी के अभी से घर से बाहर निकाले, कहीं भी जाए, इससे हमारा कोई ताल्लुक कोई वास्ता नहीं है। निकलो यहां से बाहर, मैं कहता हूं निकलो। खाना खा, नहीं खाना भाभी। अच्छा, थोड़ा सा खा लो भाभी, प्लीज चली जाए यहाँ से, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। तिलनशी, गलती तुम्हारी, तुम्हें ऐसे घर में दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए थी जिनसे हमारा कोई जोड़ ना हो। ये अमीर लोग तुम्हें अपनी बेटी की उतरन तो पहना सकते हैं, लेकिन इज्जत से तुम्हें अपने घर ब्याह के बहू नहीं बना सकते। लड़के के साथ तुम्हारा चक्कर नहीं था, मोहब्बत करता है वो मुझसे। अमीर घराने के लड़के गरीब घराने की लड़कियों से मोहब्बत नहीं करते, टाइम पास करते। अगर टाइम पास कर रहा होता तो अपने घर में मेरे रिश्ते की बात नहीं करता। बात करने के बाद क्या हुआ? तुम और तुम्हारा भाई थाने जाकर, आस पड़ोस के लोग हमसे पूछ रहे थे कि हमारे घर पुलिस क्यों आई। क्या जवाब देते? तुम्हारा रिश्ता लेकर आई, जो बची कुछ इज्जत रह गई है ना हमारी, उसे समेटो और ब्याह कर अपने घर जाओ। प्लीज इनकार कर दे इस रिश्ते से, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। दिलनशी, तुमने कसम खा ली है कि हमारी इज्जत की नीलामी करके ही छोड़ोगी? हम हाँ कह चुके, तुम इनकार करते हैं इस रिश्ते से, उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? उससे मैं उसको जानती नहीं हूँ, मेरा दिल उसे तस्लीम नहीं करेगा। मेरे साथ ये मत करें प्लीज, प्लीज। तुम्हारे दिल की मर्जी का लड़का भरे चौक पे खड़े होके हमारी इज्जत की नीलामी कर चुका है। इस वक्त तुम जज्बात से काम ले रही हो, सोचने समझने से कासिर। हैदर भाई से शादी करके तुम ऐशो आराम की जिंदगी गुजारोगी। तुम्हें पता है, हमारे खानदान की हर औरत यही चाहती थी कि उसकी बेटी हैदर भाई से ब्याह ही जाए, लेकिन हैदर भाई को कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई थी, उन्होंने सिर्फ तुम्हें पसंद किया था। मर्द किसी औरत से मोहब्बत करे ना तो उसे बहुत इज्जत और ऐश के साथ अपने घर में रखता है, मगर मैं तो हमजा के अलावा किसी का तसव्वुर ही नहीं कर सकती। तसव्वुर करने का नहीं कहा मैंने तुमसे, शादी करके अमलन जिंदगी गुजारने की बात कर रही। खाना रखा है, दिल हो तो खा लेना। सो रहा है क्या?
जी सो रहा है अभी तक। कोई बात हुई उससे कल? यस डैड, बार बार दिलनशीन को कॉल करवा रहा था, उसका नंबर बन जा रहा था। तुमने उसे समझाया नहीं? हाँ भाई, तुम क्यों समझाओगी, सारा किया दरा तो तुम्हारा ही है। मैम इसमें मेरी क्या गलती, हमजा दिलनशीन से प्यार करता है, ही लव्स हर, उसने खुद उसे सेलेक्ट किया है अपने लिए। इस एज में तो हर दूसरी लड़की के साथ प्यार हो जाता है। नहीं मॉम, हमजा ऐसा नहीं है, उसने सिर्फ दिलनशीन से प्यार किया है। पता है वो कल रात मुझे क्या कह रहा था? बोल रहा था कि अभी इसी वक्त दिलनशीन के घर चलो, और अगर हम लोग चले जाते और वहां उसका भाई मिलता तो वो क्या हाल करता हमजा का। अभी कुछ करना पड़ेगा मेरे ख्याल, कुछ दिन के लिए उसको बाहर ले जाओ, तुम भी साथ चली जाओ, यहाँ से दूर रहेगा तो उसका ध्यान भी बटा रहेगा। अमीर लोग तुम्हें अपनी बेटी की उतरन तो पहना सकते हैं, लेकिन इज्जत से तुम्हें अपने घर ब्याह के बहू नहीं बना सकते। ठीक से धो, क्या गंदे और मैले तरीके से धो रही है, देखो सारी चिकनाई लगी हुई है यहाँ। अम्मी साफ तो है, जितनी सफाई से घर से बाहर चक्कर चला रही थी ना, कम से कम उतनी सफाई तो दिखाओ बर्तन धोने में। ये आपको क्या हो गया, आप हर बात को उसी तरफ क्यों ले जाती हैं? घर से निकलना बंद करवा दिया, अब पढ़ाई बंद करवा दी, अब क्या चाहती हैं आप मुझसे? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है, तुमने तो कर लिया ना जो करना था। बताओ कैसे चलाया ये चक्कर, कहाँ घूमती फिरती रही हो उसके साथ, कहाँ कहाँ जाती रही हो उस लफंगे के साथ? कहीं नहीं जाती थी मैं, हाथ छोड़े प्लीज मेरा। कहीं नहीं जाती थी तो घर बैठे ही हो गया ये चक्कर। हाँ क्या कर रही हैं? हम दोनों ट्रिप पे जा रहे हैं। What? सरप्राइज ना, मुझे मालूम था। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं जो बाहर जाने का सुन के एक्साइटेड हो जाऊंगा, बड़ा हो गया हूँ। Really? बड़े हो गए हो तो बड़े होने का सबूत भी दो। तुम तो ऐसे घर से गायब हो जाते हो, खुद सोचो कोई भी मैच्योर लड़का ऐसे करता है? डिस्टर्ब था, कुछ समझ में नहीं आया और अकेला रहने का दिल चाह रहा था। ठीक है, अगर तुम अकेले ही जाना चाहते हो तो ठीक है, वैसे डैड चाह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं, तो अब मैं डैड से कह दूंगी कि सिर्फ तुम्हारा टिकट करा दें। मॉम क्या हो गया आपको, अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ से चला जाऊँगा, दिलनशीन को भूल जाऊँगा, तो ये भूल है। हमजा तुम चाहे यहाँ रहो या वहाँ रहो, तुम्हें हर हाल में दिलनशीन को भूलना होगा, बस। तो फिर आपको मुझे भूलना होगा। हमजा देखो, हमजा तुम्हारी ये शादी की उम्र तो नहीं मैं है। कब कह रहा हूँ कि मेरी शादी करवा दे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनके घर जाएं, घर वालों से बात करें, एंगेजमेंट करें और ये मेक श्योर करें कि वो सिर्फ मेरी रहेगी। ओके पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? नो, तुम चले जाओ, यहाँ रहोगे तो हमारा एक ही यही सवाल होगा और हमारा इनकार की सूरत में एक ही जवाब होगा। ओहो, जब तक आप नहीं मानेंगी मैं भी यही बात करता रहूंगा। हमजा जस्ट पैक अप योर बैग्स एंड गो। नेवर।
सर। खाना अंदर भिजवा दो। रहने दे भाई, आप खाना खा रहे, मैं बाद में खा लूंगी। अपने दफ्तर में अगर लोन की बात करनी है तो अभी कर लो। बुशरा का फोन आया था, वो तारीख मांग रही हैं। मैं सोच रही हूँ अगले महीने की कोई तारीख दे दूँ। बस ये लड़की जितनी जल्दी इस घर से चली जाए नहीं बेहतर है। मैं इसे और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं अम्मी, लोन नहीं लेना पड़ेगा, सब कुछ इंशाल्लाह हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। लेकिन हमें शादी तो उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक करनी होगी। जैसे आजकल नॉर्मल शादियां हो रही हैं ऐसे ही करेंगे हम लोग। अब उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक 5-स्टार होटल बुक तो नहीं करा सकते। हाँ हाँ, हम उसी तरह से करेंगे शादी जिस तरह के हमारे हालात हैं। बस एक बार इज्जत से, खैर खैरियत से लड़की अपने घर की हो जाए और किसी बदनामी का सामना ना करना पड़े।